नमस्कार, मानस मिश्रा ओमली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कार्रवाई आपका सीना 56 इंच का कर देगी, क्योंकि यहां पर इस्लाम की आड़ में बड़ा गोरख धंधा चल रहा है था और आतंकवादी प्रवृत्तियों के लोग इससे फंड इकट्ठा कर रहे थे। और जब इस मामला ये संज्ञान में योगी आदित्यनाथ के आया, उन्होंने सीधा ठोकने के आदेश दिए हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ में जब सीएम सीधा आदेश दिया है तो उन कट्टर आतंकियों के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मच गया है। उनके मन में जो खौफ है वह पूरी तरह से साफ उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। और आखिरकार सीएम योगी का यह आदेश आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में खबर देखने के बाद प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, ये फैसला किसी धर्म को लेकर है? क्योंकि बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं क्योंकि किसी खास धर्म के ऊपर काफी अत्याचार करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको बताते हैं पूरी खबर और पूरा का पूरा यह मामला। बिना किसी अधिकार के खान पान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर यूपी में प्रतिबंध लगने का साफ तौर पर अब मुहर लग चुकी है। मजहब की आड़ में लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्म के बीच विद्वेष भड़काने की नापाक कोशिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और कठोर कार्रवाई के सीधे निर्देश दिए हैं। जी हां, सीधे निर्देश दिए। आशंका यह है कि कूटर चीत दस्तावेजों का सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही थी। अब यह मामला लखनऊ कमिश्नरेट में एफआईआर भी दर्ज हो गई। एफआईआर के मुताबिक हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाला स्ट्रीट दिल्ली, हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पाद का हलाला प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। अब आप सोच कर समझ कर आप खुद समझ पाए कि आखिरकार ये खेल पूरा कैसे चल रहा है। इन कंपनियों के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन एक चीज आप अपने आस पास भी जरूर देखिएगा। आप जाइए और आप सड़कों पर देखिए, आप रेड़ी पटरी पर देखिए, आप देखिए। अभी हाल ही में दिवाली बीती है, दिवाली के पटाखे बेचने वाले कौन लोग थे आप जाकर देखिए, आपने देखा होगा। आप जाकर देखिए आपके बाहर रेड़ी पटरी वाला कौन होगा। आपके यहां अगर आप किसी चीज का ऑर्डर देते हो तो आखिरकार उसका ऑर्डर लेने वाला जब कोई आता है, चाहे वो आरओ बनाने वाला हो या वो प्लम्बर हो या किसी भी टाइप का काम हो, वो सारे कौन लोग होते हैं? वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो सारे के सारे लोग एक ही धर्म के होते हैं। क्या ये सारी फंडिंग खेल चल रहा है? क्या आप हिंदुस्तान को इकोनॉमिक तरीके से, यानी कि पैसा पूरी तरह से इसका जो है वो रेड़ी पटरी के जरिए इकट्ठा करके देश में अदक धर्म का कहीं कहीं निर्माण करने की साजिश चल रही है? ये सबसे बड़ी आप सोचिएगा, क्योंकि ये खेल बड़ा चल रहा है। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है कि अगर आप एक फोन करिए कि मुझे मेरे गाड़ी की सर्विस करनी है, तो गाड़ी के सर्विस करने वाला कौन आता है? आप बुलाइए किसी को भी, देखिए किसी भी चीज, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, आप किसी काम के लिए अपने घर में बुलाइए, छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों के लिए, वो एक खास धर्म के लोग ही आते हैं। इकोनॉमिक तरीके से भारत को कैप्चर करने का प्रयास चल रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आज ये फैसला लिया गया है। आपको बता दिए जो कंपनियां हलाल सर्टिफाइड कर रही थी, इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त कंपनियों द्वारा कूटचरित प्रमाण पत्र तैयार कर आर्थिक लाभ लेकर विभिन्न कंपनियों को हलाला प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला तो है ही, जन आस्था के साथ छल भी है। अब इसमें शिकायतकर्ता ने इस बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा है कि जिन कंपनियों ने ऐसा हलाला प्रमाण पत्र
इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पाद की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि आप जो है कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। खास बात यहाँ यह है कि शाकाहारी उत्पाद जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री के लिए भी हलाला जो है हलाल प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं को ऐसी किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि एक समुदाय विशेष एवं उनके उत्पाद की विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मजहब की आड़ को लेकर एक वर्ग विशेष ने अनर्गल प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग ना करें जिससे उनकी कंपनी द्वारा हलाला प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो। परिणाम स्वरूप दूसरे समुदाय के विशेष व्यवसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार आम नागरिकों के लिए उपयोग होने वाली वस्तुओं पर भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित आर्थिक लाभ कमाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त कंपनियों द्वारा ऐसा न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि समाज में वर्ग विद्वेष फैलाने, आम जनमानस में विभेद कहीं ना कहीं करार कराकर देश को कमजोर करने की पूरी सुनियोजित योजना के अनुसार किया जा रहा है काम है, जिसमें उक्त कंपनियों के मालिक, प्रबंधक के अलावा अन्य तमाम लोग को भी एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत सहभागिता है तथा इसमें राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र करने वाले देश को कमजोर करने अन्य तमाम लोग भी इसमें शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने उक्त लोगों द्वारा करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ भी कमाकर उससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग किए जाने की आशंका भी जताई है। बता दें आपको कि खान पान के उत्पादों की गुणवत्ता आदि प्रमाण पत्र के लिए जो है वो FSSAI का उसका है एक सर्टिफिकेट आई जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है, लेकिन अब हलाल प्रमाण पत्र के जरिए खेल चल रहा है। मुस्लिम धर्म के अनुसार हलाल का मजहब जायज होता है, मतलब जायज होता है। खाद्य व सौंदर्य उत्पाद पर हलाल के प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि ये उत्पाद जायज है, इसमें मुस्लिम लोगों के लिए जो हराम चीजें हैं वो उसमें नहीं है। जानकार बताते हैं कि मुस्लिम देशों को में एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल प्रमाण पत्र जो जरूरी होता है। आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरह के षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। देश में पूरी तरह से षड्यंत्र और साजिश एक अलग खेल चल रहा है, जहां पर देश को मैंने कहा ना कि अब देश की अर्थव्यवस्था को कैसे कैप्चर ग्रैप किया जाएगा वो एक खास धर्म उसको कर रहा है। अगर आपको मेरी बात से हालात जरा सी भी सहमत है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। और एक बात और बता दें आपको, हमने आपको शुरुआत में जब इस वीडियो में जिक्र किया है कि अगर आप गांव तो छोड़ किसी शहर में रह रहे हैं, आप छोटे से शहर में रह रहे हैं, एक फोन करिए कि मुझे मेरी AC की सर्विस करानी है, एक फोन करिए मुझे मेरे कूलर की सर्विस करानी है, मुझे मेरा पंखा बनवाना है, मुझे मेरे RO ठीक कराना है, या कोई भी इस तरह की सर्विसेज हैं, अब मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 99% लोग एक विशेष समुदाय के लोग आते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि विशेष समुदाय जो है वो ये किसी का अधिकार नहीं है कि कोई भी किसी तरह का काम कर सकता है। आप सही सोच रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का काम कर सकता है, लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है कि कोई भी किसी प्रकार का अगर काम कर सकता है तो 99% लोग ही एक खास समुदाय के लोग काम कैसे कर रहे हैं? ये क्या सोची समझी एक साजिश नहीं चल रही है, या विदेशों से इसका कंट्रोल हो रहा है कि नीचे की जितनी इकोनॉमी है, जो डेली की रोजमर्रा की जो पैसे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, लोग घरों से आते हैं, वो पैसों को कैसे इकट्ठा किया जाए? ना वहां पर आपको टैक्स देना है, ना आपको एक पैसे देना, वो सीधे आपके घर पर आता है काम करके, सीधे आपके पैसे लेकर के वो निकल जाता है, ना वो आपको बिल देता है, ना कुछ करता है। ये पैसे कहां जा रहे हैं? रेड़ी पटरी वाले, आप दुकानों पर जाइए, सब्जी वाले आप देखिए, पूछिए, जो जूस लगाने वाले हैं कौन है वो, गन्ने का जूस बेचने वाले कौन है वो, आप जाकर देखिए। ये इकोनॉमी को ग्रैब करने की साजिश चल रही है। आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहिए घरों में, सरकारें भी घरों में बैठे रहें, सरकारें भी चुपचाप बैठी रहें,
क्यों नहीं सर्वे कराती, आखिरकार ये खेल क्यों चल रहा है। रेडी पट्टी से लेकर जितने भी हैं वो सारे के सारे 99% आपको वही मिलेंगे। और अगर आपको देखना है तो आप जाइए, अपना मोबाइल उठाइए, अपने मोबाइल में आपका पेटीएम है, गूगल पे, जो भी है, स्कैनर है, आप जाकर के स्कैन करना शुरू कर दीजिए। जितने लोग हैं आपको देखे उन पे नाम क्या मिलेंगे। मैं यहां पर बेस विद्वेष या किसी समुदाय के लिए क्लेशेस पैदा करने की खबर नहीं दिखा रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सच को पहुंचाना, सच को पहुंचाकर आपको जगाना, और ये जगाने का काम मैं यहां पर करना का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, और हमारे आपके घरों में सेंध लगा रहे हैं, हमारे आपके पैसों को सेंध लगा रहे हैं, और सरकार के खजाने को भी सेंध लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं देते हैं। ये सीधे आपके घरों में आकर के काम करके सीधे तौर पे आपसे कैश लेकर के या पेटीएम गूगल पे लेकर के कैसे भी करके, टैक्स वाले नहीं है ये कोई जीएसटी नहीं लेते। और आज हलाल के नाम पर खेल देखिए चल रहा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक की इकोनॉमी में किस तरह से ये गया जा रहा है। आप हिंदू राष्ट्र सिर्फ चिल्लाते रहिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र करने से कुछ नहीं होने वाला है, इन सब चीजों पर भी बराबर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यह फैसला लिया है, यह फैसला पूरे देश में लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा घातक यह है जो मैंने आपको बताया, हर रेडी पट्टी वाला, हर जो हॉकर है आपके घर में आ रहा है, आप फोन कर रहे हैं, एसी वाला, कूलर वाला, कोई भी है, जूस वाला, सब्जी वाला, फल वाला, वो सब कौन है? सब आपके जेब में, सरकार की जेब में सेंध लगा रहे हैं। और क्या इन पैसों का आतंकियों को फंडिंग हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सहमत है तो भी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। बने रहे ऑल इन्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।